और प्रधानमंत्री मोदी आज बिम्स्टेक के पांचवें शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को ढेर किया है। दिल्ली में टेलीकॉम कंपनी के केबल का काम करने सीवर में उतरे तीन मजदूरों की मौत हो गई और मुंबई में करीब 5 करोड़ के ड्रग्स के साथ तीन तस्कर पकड़े गए। देश की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश की बात। बंगाल की खाड़ी के करीबी देशों के सहयोग संगठन बिम्स्टेक का पांचवा शिखर सम्मेलन आज श्रीलंका की अगुवाई में होगा। इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। बिम्स्टेक के सदस्यों में भारत, श्रीलंका के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड शामिल हैं। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लिए ये सम्मेलन बेहद अहम माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीती रात सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में दो आतंकी मारे गए हैं। मारे गए दोनों आतंकी स्थानीय बताए जा रहे हैं। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार के मुताबिक दोनों आतंकी हाल ही की कई घटनाओं में शामिल थे। मारे गए आतंकियों में से एक रईस अहमद भट्ट लश्कर से जुड़ा था और उसने मीडिया का आई कार्ड भी बनवा रखा था। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में कल शाम एक आतंकी ने सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाने की कोशिश की। बुर्का पहने एक शख्स ने एसबीआई बैंक के बाहर तैनात सीआरपीएफ के जवानों पर पेट्रोल बम से हमला किया। राहत की बात ये रही कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। हमलावर की तस्वीर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर आतंकी की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली के रोहिणी के एसजीटी नगर में एमटीएनएल की केबल को ठीक करने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। केबल ठीक करने सड़क के नीचे गए तीन मजदूर सीवर में समा गए। राहत और बचाव की टीम ने घंटों तक तीनों को बचाने की कोशिश की लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए। तीनों मजदूरों की मौत हो गई। तीनों मजदूरों को बचाने के लिए सीवर में गए एक रिक्शा चालक भी लापता है जिसकी तलाश की जा रही है। महाराष्ट्र के पुणे के कात्रज इलाके में कल एक के बाद एक करीब 20 रसोई गैस सिलेंडर में धमाका होने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक गंधर्व लॉन्स इलाके में अवैध रूप से करीब 100 सिलेंडर एक साथ रखे हुए थे। सिलेंडर में धमाका कैसे हुआ ये पता नहीं चल सका है। हालांकि राहत की बात ये रही कि दमकल की कई गाड़ियों ने वक्त रहते मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इसमें एक शख्स मामूली रूप से जख्मी हुआ है लेकिन आसपास के इलाकों में काफी नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में मिड डे मील खाने के बाद सरकारी स्कूल के 54 छात्र बीमार पड़ गए। मिड डे मील खाने के बाद बच्चों को उल्टियां होने लगीं, जिसके बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया जहां सभी बीमार बच्चों का इलाज किया जा रहा है। प्रशासन ने इस पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने लंबे वक्त से लंबित पड़े पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और गरीब परिवार की लड़कियों को शादी के वक्त दिए जाने वाले शगुन स्कीम के करीब 214 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड को जारी कर दिया है। मान कैबिनेट में मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने इस फंड को जारी करवाने की पहल की है। पिछले कई महीनों से इन दोनों ही स्कीमों के लाभार्थियों को पैसा नहीं मिल पा रहा था। पश्चिम बंगाल में कथित खनन घोटाले को लेकर टीएमसी सांसद और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को आज पेश होने का समन भेजा है। इससे पहले अभिषेक बनर्जी को भी मंगलवार को ईडी ने पेश होने के लिए समन भेजा था लेकिन निजी वजहों का हवाला देकर अभिषेक पेश नहीं हुए थे। महाराष्ट्र के एंटी नारकोटिक सेल की बांद्रा और वर्ली यूनिट ने मुंबई के अलग अलग इलाकों से तीन ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्करों के पास से करीब 4.5 करोड़ रुपए की 3 किलोग्राम से ज्यादा एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। एंटी नारकोटिक सेल को शक है कि ये लोग बड़ी बड़ी पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करने का काम करते हैं।